दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंसा के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कैंपस पहुंचकर हलचल पैदा कर दी है। दीपिका के कदम की एक तरफ जहां जमकर तारीफ हो रही है, वहीं उनके विरोध में आवाज उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दीपिका के इस कदम को लेकर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। हैशटैग आई सपोर्ट दीपिका से लेकर हैशटैग बॉयकॉट छपाक तक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और इस लड़ाई में नेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारे सब उतर आए हैं। इस बीच ट्विटर पर अक्षय कुमार की एबीवीपी का झंडा लहराते हुए एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। ये तस्वीर शेयर कर लोग दीपिका को सपोर्ट कर और अक्षय को ट्रोल कर रहे हैं। 2018 में फिल्म पैडमैन के रिलीज के वक्त अक्षय कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का झंडा लहराया था, उस वक्त भी अक्षय को ट्रोल किया गया था। अब दीपिका पादुकोण के जेएनयू छात्रों का सपोर्ट करने के बाद लोगों ने अक्षय कुमार को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। अक्षय और दीपिका की तस्वीर का कोलाज बनाकर यूजर ने इसे कनाडा और भारत के बीच में अंतर बताया है। एक शख्स ने लिखा है, एक तरफ कनेडियन है जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है, वही एक भारतीय लड़की है जो गर्व से खड़ी है। एक यूजर ने दीपिका और अक्षय की तस्वीर को लोकतंत्र के दो चेहरे बताकर पेश किया है। दीपिका की फिल्म छपाक इसी हफ्ते 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दीपिका के जेएनयू जाने को स्टंट करार दिया है। साथ ही कुछ लोगों ने दीपिका की फिल्म छपाक देखकर जेएनयू हिंसा के विरोध में खड़े होने की अपील की है।